हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम देखेंगे बिहार स्पेशल से बहावी आंदोलन के बारे में, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं बहावी आंदोलन के बारे में। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन में बहावी आंदोलन का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इस आंदोलन के प्रवर्तक अरब के अब्दुल वहाब थे। ध्यान देना है कि इसके जो प्रवर्तक थे मिलनी कहाँ के, अरब के अब्दुल वहाब। इन्होंने मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से इस आंदोलन को आरंभ किया। भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व करता उत्तर प्रदेश के सैयद अहमद बरेलवी थे, ठीक है। इनका जन्म 1776 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। तो एक चीज ध्यान देना है कि पटना मुख्य केंद्र था, लेकिन शुरुआत करता यूपी वाले थे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इन्होंने भारत में मुस्लिम साम्राज्य के पतन के लिए ब्रिटिश शासन को जिम्मेवार, यहाँ पे काटते हैं इधर भी है, जिम्मेवार माना तथा अंग्रेजों के द्वारा अधिकृत भारत को दार उल हरब कहा और इनको समाप्त करके दार उल इस्लाम की स्थापना करने की शपथ ली। आगे देखते हैं, इन्होंने पश्चिम उत्तर सीमांत के कबीलाई अफगानों की सहायता से सितना में एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया। 1821 ईस्वी में अहमद बरेलवी ने पटना का दौरा किया, जहां विलायत अली, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन, फरहाद हुसैन आदि लोग उसके संपर्क में आए, ठीक है ना, संपर्क में आए तथा पटना को बहावी आंदोलन के मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित किया। करें प्रारंभ में बहावी आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, जिसने बाद में आर्थिक एवं राजनीतिक रूप धारण कर लिया। यह आंदोलन अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय स्वाधीनता संग्राम और नीलह साहबों, जमींदारों एवं साहूकारों के बीच वर्ग संघर्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। करें पंजाब में मुसलमानों, कृषकों ने सिख जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किया। करें सैयद अहमद से प्रेरित होकर तितुमीर ने धनी हिंदू और मुस्लिम जमींदारों के खिलाफ आंदोलन चलाया। आगे देखते हैं, ५८५३ ईस्वी में अंग्रेजी सेना बहावियों के दमन के लिए सितना गई, जहां उन्हें पराजय झेलनी पड़ी। 1858 ईस्वी में पुनः अंग्रेजी सेना को सितना भेजा गया, जिसने बहावियों को पराजित कर वहां से भगा दिया। पटना में बहावी आंदोलन का नेतृत्व विलायत अली, इनायत अली ने किया। ये पूछा जाता है, इनायत अली ने दक्षिण भारत में हैदराबाद को तथा उत्तर पश्चिम में सितना को अपना केंद्र बनाया था। 1844 ईस्वी में विलायत अली अपने 80 अनुयायियों के साथ अफगानिस्तान जा रहे थे, लेकिन लाहौर में इन्हें गिरफ्तार कर पटना भेज दिया गया। 1851-52 ईस्वी में ये उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, वहां गए, जहां ब्रिटिश सैनिकों से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बहावी आंदोलन से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आगे देखते हैं, विलायत अली और इनायत अली, विलायत अली और इनायत अली की मृत्यु के पश्चात बहावी आंदोलन का नेतृत्व मकसूद मौलवी अब्दुल्ला ने किया। उसने 1861 ईस्वी में मलक्का को अपना गढ़ बनाया। 1864 ईस्वी में नेविल चैम्बरलिन ने बहावियों के नेता अहमदुल्ला को हरा कर पोर्ट ब्लेयर जेल भेज दिया। कदम बहावी आंदोलन के अन्य नेताओं जैसे मुबारक अली, इब्राहिम मंडल, मोहम्मद इस्माइल, आमिर खान आदि को गिरफ्तार कर कठोर आजीवन कारावास की सजा दी गई।
1868 से 69 आते आते बहावी आंदोलन की ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई, ठीक है, और आंदोलन शिथिल पड़ गया। कर इस प्रकार कहा जा सकता है कि बहावी आंदोलन का उदय धार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ, लेकिन यह आगे चलकर एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। एक लाइन और है, वो भी हम देख लेते हैं। कह रहा है क्या, ये भारत से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने एवं देश को स्वाधीन बनाने के लिए भारतीयों का विद्रोह था। वस्तुतः यह साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई थी। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने बहावी आंदोलन बिहार से रिलेटेड देखा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। इस प्रकार से हमारे चैनल बने रहे।